what's up everybody, so welcome back to another video. So aaj hai day 2, aaj hum log jayenge Nubra valley which is around 140 kilometers away from our hotel. So hum log aise raste se ja rahe hai jo jiska altitude hai almost around 18,380 feet, jiska altitude hai jo ki kehlata hai highest motorable road hai wo. To hum log abhi ja rahe hai wahan pe, देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या है नुब्रा वैली में. आप लोगों को पूरा जितना हो सके एक्सप्लोर करके आप लोगों को नुब्रा वैली बताऊंगा एंड होप आप सबको पसंद आए. सो निकलते हैं नुब्रा वैली की ओर. अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया जो कि विच इज़ वेरी अमेजिंग. जो हमारा ब्रेकफास्ट है, जिन्होंने हमारा ब्रेकफास्ट बनाया था, तो वो थे हमारे ठाकुर भाई साहब जो कि हिमाचल प्रदेश से है. सो ये काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाते हैं. सो अगर आप कभी ले आते हो तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो जिसका डिटेल्स आपको ये बताएंगे कि कहाँ पर एग्जैक्टली इनका लोकेशन है. हमारा लोकेशन सर ये फोर्ट रोड लद्दाख में. ओके. और दी कैफे लोन से हमारा ये कैफे है. ओके. तो यहाँ पे विजिट करो खाने में जी ज़रूर. जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो सारे कभी अगर आप ले आते हो तो आप ज़रूर ट्राई करना इनके रेस्टोरेंट में आके. आपका जो मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट है वो विच इज़ अमेजिंग. स्टार्टेड फ्रॉम देयर. नीचे हमने वहाँ से स्टार्ट किया था. अब हम एक हाईएस्ट पॉइंट पे आए हैं. ये नॉट दी मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट, बट इसके ऊपर भी एक साउथ पुलू बोल के हाईएस्ट पॉइंट आएगा. हम लोग वहाँ पे जाएंगे अभी. अमेजिंग यार दिस गाइस आर, बिकॉज इतना घंटे आपको राइड करना होता है बाइक के ऊपर. सो बेसिकली इट्स वेरी हार्ड टू राइड ऑन अ बाइक इन लेह, बिकॉज काफ़ी दम चाहिए आपके बम में इतना बैठ के और चलाने के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है. एंड ये एक इतना मैंने यहाँ पे ऐसे लोगों को भी देखा है जो साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे ये पॉइंट पे आके. सो अभी तो हम और ऊपर जाएंगे और स्टार्टिंग और जितना हाईएस्ट पॉइंट होगा हम लोग अभी जाने वाले हैं. जैसे कि मैंने बताया था कि जो एल्टीट्यूड है वो समवेयर अराउंड 18,804 है कुछ. तो अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे. सो बट ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे. आप लोग व्यू देखो, व्यू के मज़े लो. दिस इज़ द व्यू. हम पहुंचे हैं एक ले डिस्ट्रिक्ट पुलिस के यहाँ पे. जैसे कि यहाँ पे है एक चेक पोस्ट होता है, पुलिस चेक पोस्ट होता है साउथ कुल्लू का. यहाँ पे आपको आगे आपका जो परमिट सबमिट करना होता है. जैसे कि आप लोग जब आप लोग यहाँ पे टूर के लिए आते हैं वो टाइम पे आपको एक परमिट लेना होता है जो कि ले जाने के लिए. तो वो परमिट आके यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ता है, राइट. सो अभी हमने हमारा परमिट तो सबमिट कर दिया यहाँ पर. और परमिट सबमिट करके हम लोग जा रहे हैं नुब्रा वैली की ओर. जब भी आप नुब्रा वैली की ओर जाओगे तो आपको यहाँ पर परमिट सबमिट करना पड़ता है. और जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे माइट भी आपको ऑक्सीजन कम पड़ेगा. सो बेटर है कि आप आपका ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर जाओ. अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो बेटर होगा कि आप सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, मेडिकेशंस हो गए, सारी चीज़ें अगर आप लेकर जाते हो तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपके लिए, ठीक है. तो निकलते हैं अभी नुब्रा वैली की ओर, चलते हैं. तो अभी हम है अराउंड 16,000 फीट के ऊपर. अभी हमें और 2,000 फीट कवर करना है, ऑलमोस्ट 2,800 फीट कवर करना है, जो कि वो स्पॉट पे है. वहाँ पे ऑलमोस्ट हमें वहाँ जाना है वो स्पॉट पे. सो अभी हम लोग ऑलमोस्ट इतना पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट 16,000 के ऊपर ही हैं हम लोग अभी. बट काफ़ी ठंडी बहुत है यहाँ पे. इट वॉज़ अराउंड 10 to 12 degree ठंडी है यहाँ पर.
बट फिर भी एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर सकते हो आप लोग यहाँ पे. बट अभी जैसे धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंडी और बढ़ते जाएगा. सो बेटर है कि प्रिकॉशंस हम लोग लें. यहाँ पे कभी भी अगर आप लोग आते हो तो कुछ लोग होते हैं ना कि ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं कि हमें तो यार कुछ नहीं होगा, हम ये सब कर लेंगे, हमने ये किया, ये तो क्या है. बट ये तो क्या नहीं है, ये तो बहुत कुछ है. यहाँ पे आके आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा, यहाँ पे आप ज़्यादा भाग नहीं सकते हो. अगर आप लोग ज़्यादा रनिंग करोगे तो आपका सांस फूलने लगेगा. इवन हम लोग यहाँ पे जब कुछ अराउंड एक 10 मीटर चल रहे हैं तो हमारी सांस फूल रही है. सो बेटर हम गाड़ी से ही जाए ट्रैवल करें, या अगर आपके पास बाइक है, अगर आप लोग बाइक लेकर आ रहे हो तो यहाँ पे ज़्यादा रनिंग ना करें. अगर रनिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपका सांस फूलेगा, ऑक्सीजन आपको कम मिलेगा. तो बेटर है कि जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से चलें. तो चलते हैं आगे की ओर. हम पहुंच चुके हैं 18,000 फीट पे. एंड यहाँ पे हमें आके थोड़ा बहुत स्नो मिल रहा है. ये है एक्चुअल ब्यूटी लद्दाख की. और यहाँ पे स्नो अभी तो ये स्टार्ट है, अभी आगे जाके हमें और स्नो मिलने वाला है. काफ़ी ठंडा क्लाइमेट है यहाँ पे आके. इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 5 डिग्री पे होगा यहाँ पे टेम्परेचर. सो यहाँ पे पूरा आर्मी का कॉन्वे है, आप लोग देख सकते हो. पूरा ये एरिया आर्मी के अंडर में ही है. सो लोग आके यहाँ पे चिलिंग कर रहे हैं. को बोलते हैं बॉस ब्यूटी. सी लुक एट द व्यू. ये भी जगह कम नहीं है भाई किसी से. एंड बर्फ तो आप देखो कितना बर्फ है. और यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो हर डे एयर लाइक मॉर्निंग इवनिंग में बदलते, जब भी कभी भी बदलते हैं यहाँ का क्लाइमेट. सो अभी यहाँ पे बर्फ है. सो ये पूरा कभी अगर आप यहाँ पे बेस्ट आना चाहते हो तो जून एंड जुलाई के टाइम अगर आप आइए तो यहाँ पे आपको पूरा स्नोफॉल मिलेगा. एंड अभी हम ये टॉप हाईएस्ट व्यू यहाँ से अभी हम डिसेंड करेंगे, नुब्रा वैली की ओर जाएंगे एंड वहाँ से कम बैक टू आवर होटल. सो अभी हम जिस जगह पे है उस जगह को बोलते हैं खरदुंगला टॉप बोलते हैं जगह को. सो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं नॉर्थ कुल्लू. कहाँ जा रहे हैं भाई? नॉर्थ पुलर के बाद हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद हम जाएंगे नॉर्थ पुलर में, एक चेक पोस्ट रहेगा जहाँ पे हमें परमिट देना पड़ेगा. उसके बाद हम जाएंगे नुब्रा वैली. सो अभी पहले आपको एक चेक पोस्ट दिखाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे नुब्रा वैली. जी अरबाज को कुछ कहना है स्पेशली फॉर सुफियान, क्योंकि सुफियान का जरा क्या मेंटली थोड़ा प्रिपेयर नहीं था सुफियान यहाँ आने के लिए. तो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा जरा तबीयत भी खराब हुई थी. लेकिन यहाँ पर खारदुंगला आना आसान बात नहीं है. या इट्स वेरी बिग थिंग टू कम ओवर हियर एंड लाइक एन अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस ऑब्वियसली. तो बड़ी बात है सबके लिए, मेरे को इतनी खुशी हो रही है. इसी को बोलते हैं लेह लद्दाख की ब्यूटी. सो बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार यहाँ पे आके घूमना. बट अगर आप प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ के लिए तो आप आ सकते हो. बट नेवर गिव अप किसी भी सिचुएशन में, बिकॉज हमेशा आपकी जो कैपेबिलिटी होती है उससे आपको और ज़्यादा करने की चाह होनी चाहिए मन में.
तभी आप कुछ कर पाओगे. सो चलते रहते हैं. वो सी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड दिस कैमरा एंड टू वॉक ऑन दिस स्लिपरी स्नो. सो इट्स काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है. सो हम यहाँ पे बैठते हैं थोड़ा देर एंड वेट करते हैं उनका, जो लोग ऊपर शिट करने गए हैं. यहाँ पे यहाँ की एग्जैक्टली जो ब्यूटी है, जैसे मैंने बता रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल है. यहाँ की तारीफ कितनी भी की जाए कम है. सो आप लोग आइए ले लद्दाख. एंड और काफ़ी जैसे कि यहाँ पे काफ़ी कुछ चल रहा था कि लद्दाख में एंड कश्मीर में बहुत यहाँ के माहौल ख़राब है एंड टूरिस्ट यहाँ पे नहीं जा पा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है. आज है 25th of August 2019 एंड हम लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं. ये हम जहाँ जहाँ ट्रैवल कर रही है वो पूरा एरिया जो है वो आर्मी के अंडर है एंड कुछ जगह आर्मी के अंडर है, जैसे कि कुछ नॉर्मल होता है पुलिस के अंडर होता है. सो आप लोग यहाँ पे आके बिल्कुल भी ट्रैवल कर सकते हो, इट्स अ कम्प्लीटली सेफ प्लेस. सो अगर कुछ भी डिफ़िकल्टीज होगी तो ऑब्वियसली आर्मी आपको वहाँ पे जाने देगी नहीं. सो बिंदास आप आइए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो क्लाइमेट के साथ चेंज हो रहा है एंड पहले काफ़ी उजाला था एंड अभी क्लाउड्स आ गए. सो यहाँ पे ठंडी बहुत है एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी पल्स रेट चेक करूँ, हार्ट बीट चेक करूँ, तो इट वॉज अराउंड 120, इट वॉज अराउंड, क्योंकि इतना हार्ट पेल्पिटेशंस कभी कभी फील होता है. तो वही है कि फुल प्रिपेयर्ड होके आइए. एंड मैं जो कह रहा था कि ये जगह कम्प्लीटली सेफ है, आर्मी के अंडर है एंड आप लोग यहाँ पे फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं. हाँ, जैसे कि कुछ अगर डिफेंस एरिया है तो वहाँ पे आप वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत, अगर आप लोग यूट्यूबर है, अगर आप लोग यूट्यूब्स के लिए वीडियो बना रहे हैं या फिर अपने पर्सनल स्टफ्स के लिए कुछ भी वीडियोज़ बना रहे हैं, तो आर्मी का जो एरिया है, डिफेंस एरिया में, आप ट्राई करना कि आप लोग वहाँ पे ना कैमरा यूज़ करें. बिकॉज अगर गलती से भी अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो हो सकता है आपके सारे वीडियोस वो लोग डिलीट कर देंगे. तो वही करिए जो यहाँ पे या जो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो आपको गाइडलाइंस दी जाएगी, आप उसी के हिसाब से चलिए. बिकॉज उसमें आपका भी फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा है, बिकॉज वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे है हमारी सेफ्टी के लिए. सो कृपया करके उन्हें कॉपरेट करिए, ताकि वो लोग आपको बेटर सर्विस दे सके एंड आपकी सुरक्षा में 24/7 365 डेज खड़े रहें. सो ऐसे जवानों को सल्यूट है हमारा. बहुत ही ये मतलब कह सकते हैं, इनके लिए जितना भी अगर आप कहो वो कम होता है, बिकॉज इट्स अ प्राउड मोमेंट टू स्टे विद देम, टू स्टैंड विद देम एंड उनके बाजू खड़े रहना भी काफ़ी प्राउड की बात होती है. तो सल्यूट करें ऐसे आर्मी को. जय हिंद, जय भारत. एंड अभी हम निकलते हैं नुब्रा वैली की ओर, तो नुब्रा वैली पे ही हम आपको मिलेंगे. गाइस, जो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं रोड बनाने के लिए, जो कि विजिटर, जो विजिटर्स होते हैं उनके लिए, ताकि हमारी जर्नी जो है एकदम सेफ हो एंड एकदम इजीली हम उसे कवर कर सकें. तो ये नेचुरल वाटर जो चाइना फिलअप कर रही है, हिमालयन वाटर इसको बोल सकते हैं, एक्वाफीना, बिस्लेरी, केनली, सब फेल इसके संबंध.